हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेस्टेड लूप सेक्शन को कंप्लीट किया और आज से हम लोग एक नया सेक्शन यानी नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि है हमारा फंक्शंस। फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग हो या फिर आपका टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग हो। मैं थोड़ा सा आपको फंक्शन के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि फंक्शन आखिर में होता क्या है और क्या फ़ायदा होता है अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कोड क्या होता है, पीस ऑफ कोड्स लिखे होते हैं, ब्लॉक्स बेस में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स जो है अरेंज होते हैं एक पे एक। तो उसमें से क्या होते हैं कि कुछ पीस ऑफ कोड हम बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं, ज़रूरत पड़ने पे, बहुत फ्रिक्वेंट ज़रूरत पड़ती है उसको हम बार बार यूज़ कराते हैं और वो पीस ऑफ कोड एक पर्टिकुलर काम को कर रहा होता है जिसको हम लोग सब टास्क बोलते हैं। और अगर वो एक से ज़्यादा बार जो है एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम उसको उस पीस ऑफ कोड को सेपरेट निकाल के रख लेते हैं सेपरेट एंटिटी में और जब भी ज़रूरत होता है उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। उसी सेपरेट पीस ऑफ कोड को हम लोग जो है फंक्शंस बोलते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा उस एंटिटी का, उस पीस ऑफ कोड का, उसको कॉल करेंगे और उसको हम एग्जीक्यूट करा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर आप इनिशियल प्रोग्रामर हैं तो, कि लूप्स के केस में भी तो हम लोगों ने यही किया था कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड था उसको बार बार हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे थे एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए, लूप में क्या होता है कि एक वहां भी सेम चीज होता है, सेम इन द सेंस कि एक पीस ऑफ कोड बार बार, एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है, बट वहां पे हम लोगों को रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या कि हमको आपको कंडीशन या नंबर देना है कि इतने बार ये पीस ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होना है और जब वो एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो पूरे बार वो एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे आप उसको आप 5 बार करा रहे हैं या 10 बार करा रहे हैं या एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस में करा रहे हैं। जबकि फंक्शन के केस में ऐसा नहीं है, उस पीस ऑफ कोड को आपने अलग रख दिया है, जब भी आपको ज़रूरत है उस तब आप उसको कॉल कीजिए, वो पीस ऑफ ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका। तो चलिए फटाफट से लेसन नंबर 14 जो कि अनप्लग एक्टिविटी है इस पे इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर लेसन नंबर 15 में आपके जो है टोटल 12 पजल है फंक्शंस इन माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट इन्वायरमेंट में हम लोग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस अनप्लग एक्टिविटी पे मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पे। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉरस इन ए सॉन्ग टू लर्न अबाउट डिफिनीशन एंड कॉलिंग फंक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फंक्शन की डिफिनीशन और कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा, फंक्शन डिफिनीशन एंड कॉलिंग फंक्शन, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के बाद। दिस इज द सॉन्ग राइटिंग लेसन। म्यूजिक इज अ लॉट लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द रिटन नोट्स एंड वर्ड्स टेल द सिंगर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। Some parts of music are used over and over again. We call this the chorus. In a computer program, the parts of the program that are used over and over again are called functions. When you read song lyrics and it says the word chorus, do you sing the word chorus? No, you look at the top of the page to see what words make up the chorus. So in this lesson, you'll learn a silly little song called Little Bunny Foo Foo. The song has a chorus that you will sing several times over and over again. A function is a piece of code that you can call or use over and over again. It makes programming easier and more efficient, so you don't have to write out the steps of your function over and over again. You can just write it once. ओके, सो मैं इस दो टर्म्स को आपको बताता हूँ कि फंक्शन डिफिनीशन क्या होती है और फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। देखिए, फंक्शन डिफिनीशन यानी आप उस पीस ऑफ कोड को एक बार एक जगह पे लिख रहे हैं, क्या काम करेगा, क्या रिटर्न करेगा, क्या इनपुट करेगा, तो उस फंक्शन के राइटिंग को हम लोग जो है फंक्शन डिफिनीशन बोलते हैं, यानी उसको पूरा डिफाइन करते हैं उस फंक्शन को। और फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, जब भी हमें ज़रूरत है उस पीस ऑफ कोड को कॉल करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। आप ये बस थोड़ा सा याद रखिए, आगे चल के और ये ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा, फंक्शन डिफिनीशंस एंड फंक्शन कॉलिंग। तो कंटिन्यू करता हूँ और नेक्स्ट पजल पे चलते हैं और नेक्स्ट लेसन पे। ये है हमारा लेसन नंबर 15 और यहाँ पे फिर से माइंड क्राफ्ट को जो है थोड़ा सा
यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस वीडियो को देखते हैं, फिर पजल्स वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि ये जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये आपको कोडिंग भी करनी है थोड़ी सी और गेम भी थोड़ा सा प्ले करना है। ओके, सो इस वीडियो पे प्ले करते हैं और पूरा स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द फुल स्टोरी। There's a hole in the trap. Okay, sorry. Fuck, no! Is everyone okay? Ah, I see the problem. Look, there was a hole in the track. Really, Stampy? Maybe we should gather blocks to fix it. Let's make it a race. First one back to the top wins. Okay, on your mark, get set, go. Okay, I'm just gonna gather some of this terracotta. Wait, guys, I can't mine. Same. I can't either. Okay, that is really strange. Stampy, can you mine? I can't mine. Okay, everyone stay calm. Is the game broken? If it is, how do we fix it? I don't know. Does anyone know how to write Minecraft code? What is that? I've never seen one of these before. It's so adorable. Is it tameable? Okay, what is going on? Someone needs to go back to the real world and fix this. Not it. Okay, I'll go. Hey! Oh, okay, hey, so I'm in the real world now. I'm gonna go try to find the Minecraft offices, but I'm gonna need your help. Start doing the tutorial, start learning how to code, and I'll catch up with you guys after a few levels, okay? Wish me luck. This way. Oh, cactus. I'm okay. To complete the Hour of Code challenge, you'll need to write code to program the agent. You'll work together with the agent to clear any obstacles in your path so you can pick up the items you'll need for your journey. Only the agent can place and break blocks, and only you can collect items. Your screen is split into three main parts. On the left is Minecraft. The middle area is the toolbox with commands that the agent can understand. And on the right is the workspace. That's where you stack the commands to build your program to control the agent. The agent can walk, turn, and activate pressure plates. It can also destroy blocks and place blocks. When it places a block like these minecart rails, it places it underneath itself. If you forget what to do, the instructions for each level are at the top. If you want to try again, you can hit the blue reset button to reset everything to where it started. And if you need to delete a block of code, drag it from your workspace to the toolbox. Remember to hit run to get the agent moving. Okay, go ahead and try out the first few levels. Good luck. ओके, सो इस वीडियो में एक तो फर्स्ट माइनक्राफ्ट इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, स्पेस और टूल्स ब्लॉक जो भी है। इसको मैंने पिछले ही वीडियो में एक जो जस्ट पिछले वीडियो में नहीं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में इस कोर्स के एक्सप्लेन किया, तो इन्वायरमेंट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। सिंपल क्या है इस पजल्स में, क्या है इन के लेसन्स में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आपने देखा कि वो लोग जा रहे थे ट्रेन पे और वहाँ पे गड्ढा था और जो रेल ट्रैक है वो टूटा हुआ था और वो लोग गिर जाते हैं और वो लोग ब्लॉक्स वगैरह को हटाने की कोशिश करते हैं बट वो हटा नहीं पाते। तभी वहाँ पे जो एक एजेंट है वाइट कलर का, जो जिसको कोडिंग के थ्रू जो इसको बनाया गया है, वो वहाँ पे आकर के हेल्प करता है। और इस पूरे पजल्स में एजेंट आपकी हेल्प करेगा। एजेंट क्या हेल्प करेगा, रास्ता बनाने का काम जो है एजेंट का होगा, बाकी चीज़ों को कलेक्ट और एक्टिविटी परफॉर्म जो है खुद से आपको जो है करना हो, खुद से यानी एक अलग से करेक्टर यहाँ पे होगा। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, तो ये देखिए ये वो करेक्टर है स्टीव एंड एलेक्स। मैं एलेक्स को चूज करता हूँ, यानी कि यहाँ पे दो करेक्टर एक तरह से आपको दिख जाएगा। ये फर्स्ट आपका जो एजेंट जो कि रास्ता बनाने का काम करेगा, ब्लॉक हटाएगा, ब्लॉक लगाएगा, जो भी जैसे जरूरत होगा, और एलेक्स चीज़ों को परफॉर्म करेगा, कलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये एजेंट है जो कि कोडिंग के थ्रू ऑपरेट होगा, और ये एलेक्स है जो कि ये चार जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं एरो के, उसके थ्रू ये यहाँ पे जो है ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले कुछ पीस ऑफ कोड लिखेंगे, फिर इसके इन एरे के थ्रू गेम को खेलेंगे, जो भी कलेक्ट वगैरह करना है। ओके, सो अब इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और देखते हैं।
The door is locked, but the agent here is to help. Snap a move forward block to the bottom of the veteran block in the workspace to get the agent to the pressure of plate. Then press run. Use the arrow key to move out the mouse to collect the chest. Okay. So, यहाँ पे एलेक्स से ये दरवाजा बंद है और जैसे ये एजेंट इसको प्रेस करेगा ये दरवाजा खुल जाएगा तब फिर ये एलेक्स यहाँ से आ सकता है और इस बॉक्स को जो है कलेक्ट कर सकता है इस दरवाजे को खोलने के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे है, इसको प्रेस करने पे ये जो लगा हुआ है लीवर इसकी वजह से ये खुल जाएगा। तो हमें इसको प्रेस करने के लिए क्या करना है, सिंपल एक मूव फॉरवर्ड ब्लॉक लगाएंगे और रन करा देते हैं। ये देखिए दरवाजा ओपन हो चुका कोड से, लेकिन अब हमें एरो से इस एलेक्स को ऐसे लाना है और यहाँ पे इसको ले जाना है। तो ये देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए आया, उसके बाद इस डायरेक्शन में मूव के उसने उस बॉक्स को कलेक्ट कर लिया और इस तरह से ये पूरा का पूरा पजल जो है कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का है इस बार इस लेसन में, कुछ कोड लिखना है एलेक्स के लिए, सॉरी एजेंट के लिए, और वो रास्ता बनाएगा और फिर आप एलेक्स के को जो है मूव कराएंगे उन चारों ब्लॉक्स के हेल्प से। तो कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पजल पे चलते हैं जो कि है हमारा पजल नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है मैप को जो है कलेक्ट करना है, तो इसको देखते हैं कि क्या कुछ करना है। यहाँ पे देखिए एलेक्स सॉरी एजेंट यहाँ पे है और एलेक्स यहाँ पे है और ये दरवाजा ओपन होना चाहिए तभी ये एलेक्स जो है यहाँ से ऐसे जा करके इस मैप को कलेक्ट कर पाएगा। दरवाजा कैसे खुलेगा ये देखिए, यहाँ पे ये एक लगा हुआ लीवर, एजेंट अगर इसको प्रेस कर देगा तो दरवाजा ओपन कर जाएगा। कितने ब्लॉक आगे जाना चाहिए, आई थिंक 2 ब्लॉक्स ये जब मूव फॉरवर्ड करेगा तो हो जाएगा। तो मैं 2 बार मूव फॉरवर्ड को प्लेस कर देता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए दरवाजा आपका ओपन हो गया, अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये दरवाजा फिर से बंद भी हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब मैं एलेक्स को यहाँ से मूव कराता हूँ, ये देखिए उस दरवाजे की हमें जरूरत ही नहीं है, ये दरवाजा जो है वो ओपन है, जो डोर चाहिए मैप उसने कलेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा सेकेंड पजल भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पजल के कुछ पार्ट को हम लोग कोड के थ्रू यानी एजेंट के लिए कोड लिख रहे हैं और करेक्टर को हम लोग इस तरह से मैनुअली मूव करा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। ओके, रिपीट लूप का यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है रिपीट लूप रूप को, तो मैं इसको जो हूँ प्ले करता हूँ, आप स्टोरी देखिए और रिपीट लूप के बारे में। ओके, I wonder what Stacy is up to. Whoa. I think I'm in the right place. This is amazing. I feel like I'm back in Minecraft. Hello. How are you? Hello. Ooh, it's a creeper. You don't do anything, do you? Stacy. Hi, Katie? Yes, welcome to Minecraft. Thank you. Come on in. Okay. This is amazing. So you work here every day as a developer, right? Yeah, it's pretty awesome. I'm a developer on the Minecraft Marketplace team. How many coding languages do you know? In my career, I've probably worked with over a dozen. Yes. A dozen. Mm-hmm. So now you wouldn't happen to know anything about this little golem guy that calls himself the agent? We use the agent to do things that Steve or Alex can't, like go across lava. Well, I want to learn how to code and they want to learn how to code. So what is sort of one of the first things that you need to know when you're learning? Well, you need to learn how to use loops. Okay. Loops are things that developers write to give commands to a computer that can be run over and over again. Got it. So I think there's actually some of that coming up in the levels ahead. So go ahead and give loops a try. In the next level, you can use a loop to move the agent along the path. Drag the repeat block into the workspace and place the move forward block inside the repeat block. This tells the computer to do the same thing many times in a row without having to drag a whole bunch of blocks into the workspace. You can choose how many times to repeat by putting a number in the repeat block. You can put turns and multiple commands in the repeat block too, but for now, try using a repeat to move the agent forward a few steps. Remember, if you get stuck on a puzzle, you can always hit the blue reset button and try again. If you are thinking about having a cool job like Katie's, go ahead and click the show code button when you finish every level. That's going to actually show you the JavaScript code that someone like Katie uses when she's actually programming Minecraft. So anyway, thank you so much. Yeah, good luck everyone. ओके, सो यहाँ पे रिपीट ब्लॉक को सिंपल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम लोग रिपीट ब्लॉक के बारे में बहुत
ही और लेसन्स के बारे रिपीट ब्लॉक के बारे में हमने काफ़ी लेसन्स में देखा हुआ है कि रिपीट ब्लॉक एक्चुअली क्या होता है. सो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ और मैं इसको क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पे जो हम लोग मूव करते हैं जो कि है हमारा पजल नंबर 3. एलेक्स कंटिन्यू ऑन द एडवेंचर एंड नीड द कैंपस टू प्रिपेयर फॉर द ट्रिप कोड द एजेंट टू ओपन द गेट. अब यहाँ पे देखिए एजेंट हमारा यहाँ पे है और इसको अगर एजेंट एलेक्स को कैंपस चाहिए तो ऐसे जाएगा और इससे यहाँ से वो ले सकता है तो इसको प्रेस करना पड़ेगा. तो एक तो रास्ता ये है कि आप मूव फॉरवर्ड बार बार यूज करो या फिर आप रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल करके कर सकते हो. तो रिपीट ब्लॉक मैंने लगाया और इसके अंदर मूव फॉरवर्ड लगाया कितना बार हो सकता है 1, 2, 3, 4. मैं एक गेस करके 4 मैंने लिखा हुआ है और जरूरत पड़ने पर जो है बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं. तो मैं रन करता हूँ यहाँ पे ठीक है. ओके सो एग्जैक्ट उसने जाके डोर को प्रेस किया हुआ है. अब मैं यहाँ से एलेक्स को क्या करता हूँ कि आगे बढ़ाता हूँ. देखिए एलेक्स आगे जा रहा है और इसके हेल्प से ओके, वो कुछ ज़्यादा ही उस साइड निकल गया और अब मैं इसको यहाँ से ओके, अब इसको राइट में उसने कैंपस को कलेक्ट जो है कर लिया है कैंपस को. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पजल क्योंकि पजल नंबर 3 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है. सो है ये हमारा पजल नंबर 4. द एजेंट कैन मूव अक्रॉस वाटर यूज रिपीट लूप टू सॉल्व दिस पजल एंड हेल्प एलेक्स टू गेट द बकेट बिहाइंड द डोर. यानी कि ये एक दरवाज़ा खोलना है इस दरवाजे को और ये जो हमारा एजेंट है ये वाटर पे भी चल सकता है. सो और ये कब चलेगा जब यहाँ पे इसको प्रेस करेगा इस दरवाजे को तो ये हमारा जो है ओपन हो जाएगा राइट. सो चलिए रिपीट करते हैं 7 times. आई थिंक ये 7 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम में उसको जो है प्रेस आई थिंक कर देना चाहिए. अगर कम पड़ेगा तो फिर हम लोग बाद में भी कर लेंगे ओके. उसने प्रेस किया और वो उसको देखिए इस दरवाजे को भी अगर वो प्रेस करता तो वो ओपन हो जाता क्योंकि यहाँ से ये लीवर इस तरह लगा हुआ है. अब एलेक्स को हमें लेके जाना है. एलेक्स पानी से नहीं जाएगा. एलेक्स जाएगा इस तरह से जो रास्ता बना हुआ है और उसके बाद उसने फिर जो है बकेट को कलेक्ट कर लिया. इस तरह से हमारा 4th पजल जो है कंप्लीट हो चुका है. अब मैं कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू करके हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ जो कि है हमारा पजल नंबर 5. यू मेड इट अक्रॉस नाउ गेट एलेक्स सेफली थ्रू द मेज टू कलेक्ट द एक्स. अब देखिए यहाँ पे एजेंट है हमारा यहाँ पे और ये एजेंट है और उसके बाद फिर उसको ये एक्स जो है कलेक्ट करना है यहाँ से. तो ये दरवाजा है ये हमारा एलेक्स यहाँ पे सॉरी ये एजेंट है ये एलेक्स ये यहाँ दरवाजा इस दरवाजे को खोलना है तो ऑब्वियस सी बात है इसको अगर प्रेस करेगा तो ये दरवाजा जो है ओपन हो जाएगा. तो एजेंट को मैं प्रोग्राम करता हूँ उस तरह से. तो मैं चलता हूँ मूव फॉरवर्ड. आई थिंक ये 2 times मूव फॉरवर्ड होगा तो मूव फॉरवर्ड ही करते हैं 2 times क्योंकि 2 times अगर करना है लूप लगाने का कोई लॉजिक नहीं है राइट. और यहाँ से जाने के बाद राइट टर्न राइट करेगा तो मैं इसको कर देता हूँ टर्न राइट और फिर आई थिंक 2 times मूव फॉरवर्ड हमें करना पड़ेगा. होपफुली ये वर्क कर जाना चाहिए ठीक है. ओके, ये दरवाज़ा जो है ओपन हो चुका है. अब मैं इस एरो का यूज करके एलेक्स को बाहर निकालता हूँ. ये हो गया राइट ओके, एंड यहाँ से ऐसे और फिर इसमें राइट में फिर ऐसे जो है ये एलेक्स जो है इन एरो के थ्रू फ्री जो है वॉक कर सकता है. उसमें कुछ नहीं करना आपको और ये उसने जो है कलेक्ट कर लिया और ये पजल नंबर 5th हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है. फिर मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पजल यानी कि पजल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं. ओह नो द ब्रिज इज आउट कोड द एजेंट टू रीबिल्ड द ब्रिज यूजिंग द प्लेस ब्लॉक सो दैट एलेक्स कैन गेट टू द सॉइल. ओके, ब्रिज यहाँ पे टूटा हुआ है और यहाँ पे ये जो है शॉवेल है और ये एलेक्स को यहाँ से लेना है. तो ब्रिज कैसे बनेगा तो सबसे पहली चीज मूव फॉरवर्ड होगा और यहाँ से प्लेस ओक प्लैंक यानी ये एक लकड़ी का गुटका जो होता है उसको रखेगा तो ये ब्रिज बन जाएगा. लेकिन कितनी बार रखना होगा 1, 2, 3 आई थिंक 3 times जो है रखना होगा. तो इसको मैं रिपीट ब्लॉक के अंदर यूज करता हूँ और इसको करते हैं ये चीज को 3 times करते हैं. अगर कम पड़ेगा तो और हम लोग जो ऐड करेंगे सॉरी 4 times नहीं 3 times क्योंकि ये पानी है इसके ऊपर हमें करना है. तो रन करते हैं देखते हैं 1, 2,
थ्री, उसने ओ लकड़ी का गुटका रख करके इस ब्रिज को क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे एलेक्स जो है आराम से इस ब्रिज से होते हुए जा सकता है और उसको कलेक्ट कर सकता है, राइट। सो ये पजल नंबर सिक्स भी हमारा जो है कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं पजल नंबर सेवन की तरफ और देखते हैं कि पजल नंबर सेवन हमारा क्या है। ओके, अनदर रिवर बट दिस वन इज मच वाइडर, फिक्स दिस कोड टू हेल्प द एजेंट बिल्ड अ ब्रिज सो दैट एलेक्स कैन गेट टू द पिकैक्स। ओके, सो अभी सेम है प्रॉब्लम बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर वाइड है, तो उसी तरह से यहाँ पे वाइड है तो ये रिपीट ब्लॉक को हम लोग बढ़ा देते हैं, आई होप सिक्स कर देते हैं, सिक्स में हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर से देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ओके, 5 में ही हो जाएगा, तो एक बार मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ, फिर से रिसेट और फिर से रन करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ओके, अब इसको यहाँ पे एलेक्स के लिए रास्ता बन चुका है, तो एलेक्स थोड़ा सा राइट में आएगा, सीधे चला जाएगा ब्रिज पे होते हुए, ओके, और उसने जो है कलेक्ट कर लिया, और इस तरह से हमारा पजल नंबर सेवन कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं पजल नंबर एट की तरफ, देखते हैं कि पजल नंबर एट हमारा क्या है। ओके, ये पजल नंबर एट हमारा एक वीडियो है और उसने कुछ बताने की कोशिश की है माइंड फंक्शंस के बारे में, तो सीखते हैं फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैंने फंक्शंस ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, I'm pretty good at parkour. Let's sleep so it's day when Stacy comes back. Okay guys, I am back from the Minecraft offices and I think I know how to solve the problem I'm having in my game. I think I can use a function. Let me just open this. So, okay, a function is a specific set of instructions to accomplish a certain task, kind of like a recipe. In the next few levels, you'll have access to functions that you can use to solve the puzzles. Look at the code in the function when it's in the workspace to see what it does. Then, find the block with that name in the toolbox and drag it from the toolbox to the win-run block. Remember, you can use the same function every time you need to run the same set of instructions to do something, like build a bridge. Good luck! I know you can do it. ओके, सो सिंपल फंक्शन के बारे में यहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फंक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक टास्क को करने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या सीखना है आपको, फंक्शन की डिफिनीशन के बारे में और फंक्शन की कॉलिंग के बारे में। ओके, सो इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, यानी अगर आप देखेंगे एक पीस ऑफ कोड इसने लिखा हुआ है और इस फंक्शन का नाम है हमारा बिल्ड ब्रिज, यानी हर एक फंक्शन का हम लोग एक नेम देते हैं और इसको इसका जो कोड लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन। तो ये पूरा पीस ऑफ कोड है हमारा फंक्शन डिफिनीशन और फंक्शन का नाम है बिल्ड ब्रिज जो कि यहाँ पे है। अब सिंपल सी बात आती है कि बिल्ड ब्रिज को कॉल कैसे करना है, नेम के बारे में पता चल गया, डिफाइन कैसे करते हैं वो पता चल गया, कॉलिंग के बारे में, ठीक है, तो इसको कैसे कॉल करेंगे, सिंपल उसको आप ब्लॉक को रख देंगे तो वो कॉल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रिज बनाना है, ये एजेंट है, इसको ब्रिज बनाना है और उसके बाद फिर इसको इस मिसाल को जो है वो ले लेगा, राइट। सो देखते हैं कि कैसे वो ब्रिज बनाता है, तो बिल्ड ब्रिज मैं करता हूँ और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि अगर एलेक्स को यहाँ जाना है तो यहाँ पे तो ब्रिज बनाना ही पड़ेगा, साथ में इधर भी बनाना पड़ेगा, ओके, दो प्लेसेस पे। तो पहले रन करते हैं फिर देखते हैं कि एजेंट कहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद फिर ब्रिज बनाएंगे। ओके, इस एक बार कॉलिंग से सिर्फ उसने ये ब्रिज बनाया, एक बार मैं अगर कॉल कर दे तो ये ब्रिज भी बन जाएगा, तो दो बार फंक्शन की कॉलिंग कर देते हैं। ओके, सो रिसेट करते हैं फिर रन करते हैं फिर देखते हैं कि पूरा ब्रिज बना कि नहीं बना। ओके, सो एक बार और ये ब्रिज बन चुका है हमारा, अब एलेक्स जो है बहुत इजीली जा सकता है इस ब्रिज से होते हुए, फिर इस ब्रिज से होते हुए और उसके बाद वो जो है उसको कलेक्ट कर सकता है टॉर्च को, रेडस्टोन टॉर्च। ओके, सो ये पजल नंबर एट भी हमारा जो है कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं पजल नंबर नाइन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ हमारा है उस पजल में। ओके, सो यहाँ पे पाथ एक और फंक्शन है, क्लियर पाथ। क्लियर पाथ एक्चुअली में हो क्या कर क्या रहा है वो आप देख लो, डिस्ट्रॉय ब्लॉक, यानी जो उसके सामने ब्लॉक पड़ रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा है, उसके बाद फिर प्लेस ग्रेवल यानी कि एक यहाँ पे कंकड़ वगैरह जो है रख रहा है। तो एक बार यहाँ पे देखिए, अगर इसको एलेक्स को यहाँ जाना है तो 1, 2, 3 तीन जगह ब्लॉक को क्लीन करना पड़ेगा, पाथ को। तो सबसे पहले क्लियर पाथ लगाते हैं, ये चीज तो करेगा क्या, ये
एजेंट इसको पहले वो क्लीन कर देगा, ठीक है, ताकि एलेक्स, फिर यहां से दो स्टेप और आगे उसे पढ़ना पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड, ठीक है, और मूव फॉरवर्ड बढ़ने के बाद फिर इसको क्लीन, तो इसको फिर से क्लियर पाथ यहां लगाना पड़ेगा, फिर एक बार मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से क्लियर पाथ लगाना पड़ेगा, और ये पूरा तीन जगह जब वो पाथ को क्लीन करेगा ये एजेंट, तो एलेक्स फिर आसानी से जा पाएगा। तो रन करते हैं और देखते हैं, ये देखिए एक बार कॉलिंग किया फंक्शन, दो स्टेप आगे फिर कॉल किया, फिर जो है इस तरह से, तो पाथ हमारा जो है क्लीन हो चुका एलेक्स के लिए। अब एलेक्स जो है सीधा जो है उस बॉक्स की तरफ माइनक्राफ्ट, ये देखिए पजल नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। और इस तरह से मैं कंटिन्यू करता हूँ पजल नंबर 10 की तरफ, आई थिंक सो, पजल नंबर 10, ओके। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो फंक्शन है, फिक्स लॉन्ग पाथ, फिक्स शॉर्ट पाथ। कर क्या रहा है लॉन्ग पाथ, उसकी डिफिनेशन को देखते हैं समझते हैं। डिस्ट्रॉय ब्लॉक, मूव फॉरवर्ड, प्लेस रेल्स, यानी ये क्या कर रहा है कि ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आगे बढ़ के रेल को जो है वो प्लेस कर रहा है, और इसकी लेंथ 3 है और इसकी लेंथ 2 है, इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एलेक्स यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो एलेक्स को कहाँ पे टर्न कराते हैं, लेफ्ट में, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है पाथ हमें फिक्स करना है, ये वाला एक फिक्स करना है और ये वाला फिक्स करना है, इसकी लेंथ 2 है और इसकी शायद 3 है, 1, 2, 3, और रेल भी बिछानी है। तो सबसे पहले तो टर्न लेफ्ट करता हूँ एलेक्स को, सॉरी एजेंट को, और फिर फिक्स शॉर्ट पाथ, ठीक है, इसको फिक्स करेगा, फिर इसको मैं टर्न राइट कर देता हूं, उसके बाद फिर आई थिंक दो स्टेप मूव फॉरवर्ड होगा, 1, 2, और फिर वो लॉन्ग पाथ को फिक्स कर देगा। रन करते हैं, देखते हैं, ओके, सो आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन, ओके, सो फिक्स शॉर्ट पाथ, फिक्स शॉर्ट पाथ, ओके, ओके, प्रॉब्लम क्या है कि पाथ उसने वहीं से फिक्स करने, इसको पहले 2 स्टेप एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर से प्रॉब्लम हो गई, मूव फॉरवर्ड ब्लॉक एक बार और लगेगा क्योंकि वो पूरा क्लीन नहीं कर पा रहा है, ओके, अब देखते हैं, ओके, अब ये आई थिंक ये रास्ता बन चुका है। अब मैं इस एलेक्स को यहां से ले जाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं, ओके, ओके, एलेक्स वहां तक जा चुका है, इसको मैं और डन, थोड़ा सा जो मूव फॉरवर्ड ब्लॉक था वो हम लोग कम उसमें यूज कर रहे थे, इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी पजल नंबर 11 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि देखिए बिल्ड शॉर्ट ब्रिज ये एक फंक्शन है, बिल्ड लॉन्ग ब्रिज ये भी एक फंक्शन है, ये 2 डिस्टेंस का आपको बनाएगा और ये 5 का बनाएगा, ओके, सो इसको लिए रास्ता कैसे बनेगा, एलेक्स यहाँ पे है ये, तो आई थिंक मैं इसको इस स्टेज पे ले आता हूँ, इस पे टर्न इसको लेफ्ट करता हूँ, इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, टर्न लेफ्ट यहाँ पे और मूव फॉरवर्ड कर देता हूँ और फिर से टर्न, नहीं सॉरी ये टर्न राइट करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो ऐसे हो जाता है, और फिर इसको टर्न लेफ्ट करते हैं और फिर मैं लॉन्ग ब्रिज को बनाता हूँ, बिल्ड लॉन्ग ब्रिज, फिर देखते हैं ये, क्योंकि मेरा प्लानिंग ये है कि ऐसे आ करके इस लॉन्ग ब्रिज को यहाँ तक बना दे और फिर ये इसको कलेक्ट कर लेगा, देखते हैं ऐसा हो पाता है या नहीं, ओके, सो आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, ये शायद सॉरी टर्न लेफ्ट करना है, मैंने जो है बाई मिस्टेक जो है राइट टर्न करा दिया, ओके,
ये देखिए वो ब्रिज जो है बन रहा है और यहाँ से उसने ब्रिज को कंप्लीट कर पाया नहीं कर पाया आई थिंक ना, फिर से ये शॉर्ट ब्रिज वाला कोड फिर फंक्शन कॉलिंग कर देते हैं, देखते हैं ओके अब आई थिंक बना देगा ये पूरा ओके लॉन्ग फाइव का और उसके बाद फिर ठीक है और लॉन्ग फिर शॉर्ट ओके अब एलेक्स जो है आसानी से So, ये कलेक्ट हुआ और पजल नंबर 11 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है. मूव करते हैं पजल नंबर 12 जो कि इस लेसन का लास्ट पजल भी है. ओके मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला क्योंकि ये एक ऑप्शनल है मेरे लिए और लेकिन आपके लिए नहीं है. आप इसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ यूजफुल फंक्शन डिफाइन कीजिए और आप उसको जो है बनाइए और इधर और उसको जो है करने की कोशिश कीजिए. इतने सारे ब्लॉक्स हैं, इन सारे ब्लॉक्स को जो है एक्सप्लोर कीजिए. आप इसको एज अ होमवर्क कंसीडर कर सकते हैं इन सारे चीज़ों पे कि क्या कुछ है. फंक्शन जैसे ये नेम है तो आप इसको अलग से नेम जो है दे सकते हैं. जैसे कि सपोज कीजिए मुझे ये नेम देना है ओपन गेट, राइट. अगर मैं इस तरह से नेम दे दूं ओपन गेट तो ये फंक्शन हो जाएगा ओपन गेट नेम से. अगर आप यहाँ पे देखें ये देखिए ओपन गेट और बिल्ड ब्रिज अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ से तो लिख सकता हूँ बिल्ड ब्रिज. ओके ये नेम दे दिया. इसको हमें डिफिनीशन लिखना पड़ेगा कॉल करके. डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप जो है ट्राई कर सकते हैं. मैं इसको रन करके फिनिश कर देता हूँ और नेक्स्ट लेसन की तरफ जो है प्रोसीड करते हैं. तो मैं इस पे कंटिन्यू करके नेक्स्ट लेसन की तरफ मैं चल जाता हूँ. इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं. जो लेसन नंबर 16 है फंक्शन विद हार्वेस्टर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे इस लेसन को. थैंक यू सो मच.